तो आज के सेशन में ठीक है हम कुछ ताबड़तोड़ ट्रेडिंग करेंगे, साथ ही साथ में तगड़ा पैसा भी बनाएंगे इधर। और क्योंकि अपना कैपिटल भी बहुत अच्छा है, $16,603 के आसपास का अपना कैपिटल है, तो जब कैपिटल अपना इतना है तो हम अच्छा घर से इधर प्रॉफिट भी बनाएंगे। ठीक है, वैसे भी पॉकेट ऑप्शन बिग इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इस पे तगड़ा पैसा इधर बना सकते हैं। मतलब स्मूथ चलता है मार्केट इधर। ठीक है, और अभी समझ लेते हैं कि मार्केट की कंडीशंस क्या हो रखी है। और ये जो ओपन है फेसबुक INC OTC का पेयर, ठीक है, तो इसी पेयर को हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। करंट सिचुएशन को अभी थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह से देख लेते हैं मार्केट में अभी क्या हुआ है, और फिर थोड़ा टॉप का जोन चेक कर लेते हैं क्योंकि मार्केट वापस से उधर ही जा रहा है। ठीक है, तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और दूसरा देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया टॉप का जोन। और इस यहाँ पे देख लो, प्रीवियस में भी रिवर्सल हुआ है, सेलिंग सिचुएशन में बायर्स का रिवर्सल और बायर्स की सिचुएशन में सेलर्स का। यहाँ पे बायर्स का रिवर्सल हुआ और इधर सेलर्स का रिवर्सल हुआ। ठीक है, और मार्केट अगेन टॉप के जोन में आया है, तो पॉसिबली इधर अगेन एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ये देखो, ये टॉप के जोन के अंदर आ चुका है, शायद ये इसको ब्रेक भी करे या ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ये प्रीवियस वाला हो जाएगा सबसे टॉप का। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्या कर रहा है मार्केट। मतलब करेंट कैंडल अगर ब्रेक करती है तो देखेंगे, और अगर इस जोन के अंदर ही ओके, तो इसका क्लोजिंग प्राइस जोन के अंदर ही हिट हुआ है, तो देख लो इधर से रिवर्सल बनने के चांसेस लग रहे हैं, और जैसे करेंट कैंडल रेड बनने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आपको, मार्केट टॉप की जोन तक गया और वहाँ से अगेन एक रिवर्सल बन रहा है, इतना तक समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे करंट वाली कैंडल के बाद में। अभी करंट वाली कैंडल का ये जो रिवर्सल हो रहा है, मतलब ठीक है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। और जैसा कि हम समझ रहे थे कि ये जो रिवर्सल हो रहा है, ये देखो कितनी कितनी बड़ी कैंडल के साइज में हो रहा है। ठीक है, उस जोन से मार्केट वापस से रिवर्ट हुआ सेलिंग सिचुएशन के लिए, और कितनी पावरफुल कैंडल के साथ में हो रहा है, मतलब देख लो कितनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो अभी इसको बॉटम से भी देख लेते हैं कि कहाँ के आसपास मार्केट आ रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये देखो गैप डाउन मूवमेंट हुआ, मतलब सेलर्स इधर अच्छी तरीके से स्टेबल है। ठीक है, फॉर द करंट सिचुएशन, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी के साथ में थोड़ा और ऊपर जाए। हाँ, तो यहाँ पे हम पुट के लिए पहली ट्रेड अपनी बनाएंगे। देखो, थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी लेने का दो रीज़न है। दो रीज़न इसलिए कि देखो, प्रीवियस वाली जो रेड कैंडल है वो काफ़ी हेल्दी है। ठीक है, सेलिंग जोन से आ रही है, काफ़ी हेल्दी है, और मतलब सब कुछ ठीक है उधर। बट फिर भी क्या होता है कि कभी कभी स्मॉल ग्रीन कैंडल भी कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पे आपको पॉसिबली लगता है कि रेड कैंडल आएगी, बट वहाँ पे स्मॉल ग्रीन भी बन जाती है। ठीक है, कभी 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 बायर उसको ओवरशैडो कर लेते हैं, तो इस वजह से एक बड़ी कैंडल के बाद आप जब भी ट्रेड करो, थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी लेकर के ट्रेड करो, वो पॉसिबली एक 100% विन वाली सिचुएशन क्रिएट कर लेती है। ठीक है, ये मार्जिनल सेफ्टी का अगर आप चांस क्रिएट कर लेते हैं, उस हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे 100% विन की सिचुएशन बन जाती है। और ये देखो इतना अच्छे से यहाँ पे सेलर्स आए। ठीक है, जो करंट वाली कैंडल पे हमने ट्रेड किया, वहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स आए और हमारी ट्रेड हो गई प्रॉफिटेबल। अभी हम दूसरी ट्रेड देखो, जैसे मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, और बार बार वहीं पर क्या कर रहा है, ये रेस्पेक्ट कर रहा है अपने लेवल को, उसी के नीचे बार बार आने की कोशिश हो रही है। ये देख रहे हो आप, यहाँ से ये रिस्पेक्ट किया लेवल को, और अभी वापस से भी देख लेते। देखो, मुझे तो लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग स्टेट में मार्केट चल रहा है, मतलब मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी बाइंग कैंडल आने के चांसेस तो है, बट देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है, क्योंकि जस्ट प्रीवियस में सेलर्स काफ़ी स्टेबल है, स्ट्रांग है, और लेवल के आसपास मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि अगेन एक सेलिंग कैंडल भी बन सकती है। और यहाँ पे चलो ट्रेड ले लेते कॉल के लिए। ठीक है, बट
देखो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया, लेकिन जो भी प्रॉफिट था पिछली ट्रेड का, वही मैंने प्रॉफिट यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली स्टेट चल रही है। ठीक है, क्योंकि सेलर्स उधर स्टेबल थे, तो सेलर्स यहाँ पे सेलिंग की एक कैंडल और आ सकती है, बट फिर भी मुझे इधर बायर्स के अच्छे चांसेस लग रहे हैं, एक बाइंग मूव अच्छा लग रहा है। मूव ना भी बने तो एक हेल्दी, दो तीन हेल्दी बाइंग कैंडल्स इधर कंसिस्टेंट फॉर्म में दिख सकती है। ठीक है, एटलीस्ट दो तो देख लेते हैं। ओके, देखते हैं, शायद नहीं, अब तो ये लॉस में जाएगी। ठीक है, तो जो मैं सेलर्स वाली बात कर रहा था कि देखो वही हो रहा है यहाँ पे, मतलब थोड़े से देख लेते हैं। ना ना ना, फाइनली ये लॉस हो गई, मतलब ये लॉस ही हो गई, बट यहाँ पे एक अच्छी बाइंग कैंडल्स तो डेफिनेटली आनी है। अब देखो मैं फिर से ट्रेड करूँगा रिकवरी मूड के लिए, अगेन सेम सिचुएशन के लिए। ठीक है, और ये ट्रेड तो प्रॉफिटेबल जानी चाहिए। यहाँ पे मुझे देखो बाइंग कैंडल्स इधर आती हुई नज़र आई, यहाँ पे देखो बायर्स का सिचुएशन इधर क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे बाइंग कैंडल्स आनी चाहिए। ओके, तो देख लो करेंट वाली, देखो कितना हेल्दी तरीके से बाइंग कैंडल बन रही है। ये वो वाली कैंडल है जिस पे हमारा लॉस हो गया, अगर थोड़ा सा ऊपर से ट्रेड लेते तो भी, मतलब लेवल के नीचे ये रह गई। मुझे लगा था कि ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर क्या ही कर सकते, कुछ भी उधर बात करने का कोई मतलब नहीं, वो ट्रेड अपनी लॉस हो चुकी तो हो चुकी। ठीक है, बट ये करेंट वाली अपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल जा रही है, और इसका साइज़ तो देखो, जैसे कि देख लेते हैं पहले क्लोजिंग प्राइस, बट इतनी हेल्दी तरीके से बन रही है जैसे कि दो कैंडल्स एटलीस्ट इधर आ सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ठीक है, ये इसने क्या किया, टॉप से विक छोड़ दिया, तो यहाँ पे अगेन सेलर्स के चांसेस बनते मतलब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर ये एक हेल्दी फॉर्म में मतलब अपने क्लोजिंग प्राइस हिट कर दी, तो हम यहाँ पे बायर्स के सिचुएशन में ट्रेड कर सकते थे, बट अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से इसने टॉप से विक छोड़ दिया। ठीक है, और प्रीवियस में अगर देखा जाए तो सेलर्स इधर काफ़ी स्ट्रांग है, स्टेबल है, तो यहाँ पे हम ब्लाइंडली बायर्स के साथ नहीं जा सकते, और बायर्स के साथ जाने के चक्कर में हमारा एक लॉस क्रिएट हो चुका है, तो मतलब एक लॉस अपना हो चुका है, तो यहाँ पे हम गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हमने दो ट्रेड किया, दो नहीं तीन ट्रेड किया, जिसमें से एक लॉस है बाकी दो प्रॉफिट है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम कोई भी ऐसा चांस नहीं मतलब लेंगे जहाँ पे हमें लॉस की लॉस देखने को मिले या लॉस की संभावना भी हो, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि पॉकेट ऑप्शन पे मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा बड़ा कैपिटल के साथ में या बड़े बड़े रिस्क के साथ ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो मेरा हर ट्रेड पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा खासा होता है, और यहाँ पे एक भी लॉस होता है, ये देखो यहाँ पे जो लॉस बना वो काफ़ी दिक्कत दे गया, लेकिन उसके बाद ये बायर्स काफ़ी अच्छे से ऊपर गए। ठीक है, और बाद में फिर से थोड़ा सा रिजेक्ट हुए, तो यहाँ पे पॉकेट ऑप्शन पे मेरा जो भी एक भी अगर लॉस बन जाता है ना, तो वो मुझे काफ़ी हर्ट कर जाता है, क्योंकि हर ट्रेड पे मेरा बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा होता है। इस वजह से थोड़ा यहाँ पे संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मैं कोई भी लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब तीन ट्रेड में एक लॉस है, दो प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट रिकवर्ड है सब कुछ, और स्टिल हम अच्छे प्रॉफिट में हैं, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगेन एक दो ट्रेड करेंगे जिसपे और बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन हम कोई भी कन्फ्यूजन वाली ट्रेड इधर बिल्कुल चूज़ नहीं करेंगे। जो भी ट्रेड हमें मिलेगी वो सियोर शॉट ही चूज़ करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन बनने के चांसेस हैं। मैं सोच रहा हूँ 5 सेकंड पे देखूँ या ना देखूँ, करंट में 1 मिनट पे ही अपने को पॉसिबिलिटीज़ अगर इधर दिख जाती हैं तो करंट वाली जैसे जो कैंडल चल रही है, अगर ये ग्रीन पे क्लोज होती है तो हमें नेक्स्ट के लिए बायर के चांसेस बन सकते हैं। देख लेते, थोड़ा सा और वेट कर लेते, फिर देखते क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग प्राइस ज़रा हिट हो जाए। ठीक है, देखते क्या होता है। अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है देन डेफिनेटली नेक्स्ट हम कॉल के लिए जाएंगे, वरना हम छोड़ देंगे इसको एज इट इज़। ठीक है, हम कोई भी कन्फ्यूजन वाली ट्रेड इधर नहीं चूज़ करने वाले, देखते। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को चांसेस बन सकते
है थोड़ा सा अगर नीचे आए तो ओके, तो यहाँ इस लेवल से, यहाँ से वो बाइंग कैंडल आई है और ओके, तो यहाँ पे हम रिजेक्शन ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे एक्चुअल करंट वाली कैंडल पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि बाइंग सिचुएशन पे ट्रेड करने की चांसेस देख रहा था, बट कैंडल काफ़ी ऊपर चली गई थी जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर एंट्री नहीं मिल पाई, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा क्योंकि कैंडल काफ़ी स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई मतलब अच्छे खासे फेक रिएक्शन के साथ में, तो डेफिनेटली इधर रिजेक्शन तो दिखेगा, तो उस रिजेक्शन पे मुझे अच्छा खासा इधर चांस लगा, तो मैंने इधर फटाफट एंट्री बना ली काफ़ी सारा मतलब काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके। और ये देखो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल, मतलब अभी अगर आपको ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई और 1 मिनट पे दिखा देता हूँ तो देखो आप कितना सारा रिजेक्शन इधर देखने को मिला, ठीक है। वैसे मैं बहुत टाइम पे मतलब मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन ट्रेडिंग को मैं बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ रिजेक्शन पे ट्रेड, ठीक है। और ये देख लो कितना अच्छा रिजेक्शन इधर मिला, ठीक है। इस रिजेक्शन को लेके मतलब यहाँ पे फेक रिएक्शन शो हुआ तो मुझे लगा डेफिनेटली इधर रिजेक्शन तो आएगा, इस वजह से काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा था जिसकी वजह से अच्छा खासा अपना प्रॉफिट भी हो गया और साथ ही साथ में रिजेक्शन देखो कितना सुंदर मिला इधर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और दिख रही है कि क्या हुआ ना कि पॉकेट ऑप्शन ने इस पेयर का परसेंट इधर गिरा दिया और यहाँ पे मैं अब करने वाला हूँ कुछ बड़ी ट्रेड, ठीक है। तो हम इस पेयर को चेंज कर देंगे, पहले अमाउंट चेंज कर ले। अभी मैं 2000 की ट्रेड करने वाला हूँ, एक लास्ट ट्रेड बड़ी सी। और ये देख लो यहाँ पे पॉकेट ऑप्शन ने क्या किया, इस पेयर का परसेंट गिरा दिया। यूजुअली 92% होता है रिटर्न्स, लेकिन अभी देखो 70% है, ठीक है। तो करंट वाले पेयर को हमें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसका परसेंट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है और हम नया पेयर खोजेंगे और नई ट्रेड के साथ में एक ओके। तो यहाँ पे ओके, ऐसी किस्मत सबको मिल जाए, ठीक है। ये एप्पल ओटीसी का पेयर है, इसको जैसे मैंने ओपन किया, जस्ट ओपन करते ही मुझे विद इन अ सेकेंड यहाँ पे मुझे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखी, ठीक है, कंटिन्यूशन के लिए। और यहाँ पे मैंने 2000 की काफ़ी ज़्यादा ट्रेड ले ली, मतलब काफ़ी ज़्यादा इधर इन्वेस्टमेंट कर दिया। और यहाँ पे देखो आप तो थोड़ा गैप डाउन मोमेंट भी है, मतलब बचे कुचे जो सेलर्स थे वो इधर एग्जॉस्ट हो गए, तो करंट वाली जो कैंडल है वो एक अच्छी कैंडल बनने के चांसेस है प्रॉपर तरीके से और अपनी ट्रेड जो कि प्रॉफिटेबल हो चुकी है, ठीक है। और करंट कैंडल देखो कितनी मतलब एवरेज साइज़ की एक हेल्दी कैंडल बनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट इधर क्रिएट हो चुका 52,000 का। तो अभी हम क्या करेंगे कि सेशन को बंद कर देंगे और आज के लिए इतना ही। देखो ये पेयर जैसे ही हमने ओपन किया हमें विद इन अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिली, उसको हमने कैप्चर किया और बस आज के लिए इतना काफ़ी। और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो कि ये देखो अपना स्टेटस भी अपडेट हो चुका प्रो से ग्रू पे और यहाँ पे मुझे कॉल भी आ रहा है, तो अभी सेशन को बंद कर देते हैं, ठीक है। इस सेशन को बंद कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पे। टाटा बाय बाय।